वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो गाइस अभी मैं फिलहाल हूँ बनारस के गोदौलिया पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और काफ़ी बढ़िया वाला मौसम है। जैसे कि आप देख दिखाता हूँ एक बार, ऐसा कोई नज़ारा है सुबह का गोदौलिया का, जैसे कि देख पा रहे हैं। और ये है गोदौलिया का जो मार्केट है वो ये है। और फिलहाल अभी हम लोग का प्लान है जाने का गंगा जी का आरती अटेंड करने का। फिलहाल हमारे साथ हमारे भाई विशाल महादेव और चंदू भाई, पूरे एक महीने से प्लान कर रहे थे गंगा जी जाके स्नान करने का, और ये भाई साहब वही ना, मतलब जब ब्लॉगिंग स्टार्ट किए थे उस टाइम जाके नहाए थे मेरे को, है ना। और आज मतलब पूरे लगभग एक साल बाद नहाने के लिए जा रहे हैं। बाकी सुबह का नज़ारा काफ़ी मस्त वाला है, अमेजिंग वाला, देखो आप एक बार। अभी तो फिलहाल खाली दिख रहा है वाला एरिया, शाम को आओगे भाई चलने का रास्ता इधर नहीं होता ही। बाकी देखो इधर एक बार, हाँ धकेल के पहुँचा देते हैं, सही बोल रहे हो। बाकी काफ़ी मस्त वाला वाइब है। और अभी चल के देखते हैं, शायद गंगा आरती भी चल रहा हो शायद अभी आधे घंटे के लिए चलता है, 5 से 5:30 तक भी चलता है। 5 मिनट हमारे पास है अभी फिलहाल, हो सकता है गंगा आरती अटेंड कर पाए हम लोग। अगर नहीं होता है तो फिर चाय पी के जाएंगे सीधे उस पर नहाने के लिए। बाकी अब देखते हैं नहाने के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, है ना। शायद विश्वनाथ मंदिर चले जाएँ, महादेव बुला लिए तो। बाकी काफ़ी बढ़िया वाला मौसम है यहाँ पे, देख सकते हो। और बाकी दुकान अभी खुला नहीं है यहाँ का, जैसे कि देख पा रहे हैं एक बार। बाकी इधर देखोगे तो आप एक बार, इधर का सारा जो है मतलब शॉप, उसका सारा कलर एक जैसा ही है, मतलब देखो एक बार पूरा पिंक पिंक कर रखा है मोदी जी ने। बाकी इधर जो फुटवर भी बना रखा है तो ये भी काफ़ी बढ़िया वाला है। बाकी सुबह में बनारस को एक्सप्लोर करना काफ़ी अलग ही अपना नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होता है। बाकी जैसे कि देखो इधर इधर कुछ सामानों में बेच रहे हैं लोग। बाकी देखो अभी हम आ गए हैं बनारस के जो विश्वनाथ मंदिर है, पुराना वाला गली यहाँ से जाता है। देखो एक बार ये पुराना सिंह द्वार है। बाकी देख सकते हैं सुबह सुबह चाय का जो चुस्की सब लोग ले रहे हैं यहाँ पे, सुबह सुबह चाय मिलता है बनारस में। और बाकी कचौड़ी सब्जी और जलेबी यहाँ का फेमस है सुबह का नाश्ता। बाकी देखो ये वाला जो है श्री काशी विश्वनाथ द्वार सिंह द्वार, ये वाला है। अगर आप आते हो तो इसको हम गोदौलिया वाला मार्ग भी कहते हैं बनारसी, मतलब इधर से अगर जाते हो आप तो विश्वनाथ गली होते हो आप मंदिर जा सकते हो। बाकी इधर देखो सामने ये है बृहस्पति भगवान का मंदिर है। हाँ भाई बैग में रखा हुआ है। बाकी यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे दशाश्वमेध भवन बनाया गया जो कि न्यूली बनकर तैयार अभी हुआ है। और इसके अंदर आपको जो रेस्टोरेंट वगैरह है और धर्मशाला जिसे कहते हैं स्टे के लिए, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे आके रह भी सकते हो। बाकी यहाँ पे फूल माले जो भी है गंगा जी का पूजा पाठ के लिए जो यूज होता है वो सब यहाँ मिल जाएगा। बाकी काफ़ी बढ़िया वाइब यहाँ पे। और तो गाइस फाइनली हम लोग जो है घाट पर पहुँच चुके हैं दशाश्वमेध घाट पर, और दिखाता हूँ आपको सुबह का नज़ारा यहाँ का। फिलहाल अभी सनराइज़ अभी आई थिंक हुआ नहीं है, मैं दिखाता हूँ आपको सनराइज़ भी यहाँ का प्यारा सा। भाई बनारस का सनराइज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मतलब सुबह है बनारस और शाम अवध जो कहते हैं, तो आपको सुबह का नज़ारा यहाँ दिखाते हैं सनराइज़ का एक बार पहले। बाकी देखो एक बार नज़ारा ऐसा कुछ है सुबह का घाट का नज़ारा। भाई नहीं हुआ है सनराइज़ अभी, नहीं हो गया यार, देखो इधर हो गया। हम लोग लेट हो गए, 5:30 हो गया। बाकी देखो एक बार सूर्योदय, बाकी देखो इधर एक बार सनराइज़ इधर का। वाह यार, तो देखिए भैया मिल गए, आप बताएंगे किराया हमें जो बोटिंग का होता है नौका बिहार का, क्या किराया भैया यहाँ का बोटर? अगर कहीं शेयरिंग वाले में जाएंगे तो 50 रुपीज़ है उस पार जाने का, 50 रुपये। अच्छा अच्छा, अगर कहीं घाट घूमेंगे तो 100 रुपये सवारी पड़ जाएगा। कितने घाट घुमाते हैं उसमें? छोटी घाट राजा हरिश्चंद से मणिकर्णिका। अच्छा हरिश्चंद से मणिकर्णिका जाएंगे तो आप पर पर्सन 100 रुपये देना पड़ेगा शेयरिंग में। वो भी अगर कहीं प्राइवेट आप जाएंगे हाथ वाला बोट लेते हैं तो नहाने घूमने के लिए आपको कम से कम चार्ज पड़ेगा आपका 1,000 से 1,200 पड़ेगा, वो भी मतलब राजा हरिश्चंद से मणिकर्णिका घाट तक 1,000 रुपये। और स्नान कराएंगे? अच्छा स्नान ध्यान करवा के। चालीस सही है। तो भाई हम लोग बोट ले लिए, बाकी काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग करने के बाद हमें बोट मिल गया 50 से 40 पे आए भैया। बाकी देख सकते हैं अब ऐसे करके हम जाएंगे इस पे से। यही जाएगा भैया? अच्छा अच्छा, चलते रहो। बोट के बोट तो घूमने का मजा ही कुछ और है भाई गंगा के।
बाकी यहाँ से देखो आप लोग यार कितना प्यारा सनराइज यहाँ से हो रहा है गंगा जी का, जो सुबह का बनारस है, सुबह बनारस की जो सनराइज होता है वो काफ़ी फेमस है, बाकी देख भी सकते हो आप लोग। अभी हम लोग फिलहाल लेट हो चुके हैं, 5:30 बज गए, लेकिन फिर भी जो है सनराइज काफ़ी प्यारा से यहाँ नज़र आ रहा है। बाकी ऐसे कुछ नज़ारा देखो गंगा जी से दशाश्वमेध घाट का। तो गाइस हम लोग बोट पे सवार हो गए और जा रहे हैं नहाने उस पार के लिए, और बाकी हमारे बोट जो है चल पड़ी है। बाकी देख सकते हो इतने लोग हमारे पैसेंजर बैठे हुए हैं इस बोट के अंदर। बाकी आई थिंक 2 मिनट में उस पार पहुंच जाएंगे हम लोग, है ना भैया, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे उस पार। बाकी देखो यार स्टार्ट होते बीच में आ गए। चलो जयकारा हो जाएगा महादेव का। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। क्या बात है। फाइनली गंगा पार कर गए भाई। चल झूठा। हाँ चला नहीं जा रहा है, देखा नहीं जा रहा है, सुना नहीं जा रहा है। एक दो हर हर महादेव। कर दे प्रसन्न। तो भाई अगर गंगा इस पार आते हो आप लोग तो आपको देखो ये सब एक्टिविटी देखने को मिलता है, जैसे हॉर्स राइड हो गया, कैमल राइड हो गया, है ना। तो भैया क्या प्राइस है उसका, टहलाने का या फिर घुमाने का? इसका प्राइस 300 है। कितने दर रखेंगे, कितना कौन रहते हैं? 300 मीटर ज्यादा है, 300 मीटर रहता है। अच्छा ऊँट का, ऊँट भी आपका है? ऊँट का है। अच्छा ऊँट का कितना है? ऊँट का 400 है। अच्छा मतलब देखो आप एक बार हॉर्स का देखो, अगर इसकी राइड लेते हो आप लोग 300 रुपये है और बाकी कैमल का 400 रुपये है ना भैया। कितना टाइम करवाते हो आप लोग? 400 मीटर ज्यादा है, 400 मीटर। तो 400 मीटर जाना है आगे, मतलब देख लो एक बार मस्त रेगिस्तान वाला वाई वाई यहाँ पे आएगा आपको, 400 मीटर आ जाएगा, 400 मीटर लेके आएगा आपको। तो कैमल का 400 रुपये है और इस हॉर्स का 300 रुपये है। तो आप यहाँ इस पर आते हो तो आप ये सब एक्टिविटी कर सकते हो, काफ़ी मजा आएगा आपको। बाकी और भी कुछ होता है क्या भैया इधर? बस यही सब है ना। अच्छा घोड़ा गधा, गधा पे भी गधा नहीं यार, मतलब वॉर्थ है, मतलब कि घुमाते हैं भैया लोग, मतलब पैदल जाना 400 मीटर 400 होना तो वॉर्थ है भाई, मतलब है ना। सब खर क्या बोलते हैं उसको। हम लोग आ गए वापस नहा धो के इस पर घाट पे आ गए, अब जा रहे हैं यहाँ से दर्शन करने के लिए विश्वनाथ जी। अगर हो सके देखेंगे, भीड़ ज्यादा नहीं होगा तो विश्वनाथ जी दर्शन करेंगे, अगर नहीं तो उसके बगल में एक नेपाली टेम्पल है, आपको उसका दर्शन करवाने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं बढ़िया से नजारा, घाट का सुबह का नजारा भैया। एक हर महादेव। तो वैसे अभी हम लोग आ गए हैं चंदन टीका लगवा करके, आगे नेपाली टेम्पल दर्शन करने के लिए। बाकी देखो नेपाली टेम्पल का एंट्रेंस इतना बढ़िया है, ऐसा भी प्राचीन लग रहा है। बाकी इधर देखो ऊपर चढ़ के जाना है हमें ऊपर तक, ऐसे करके यहाँ देखो एक बार ऐसे नजारा टोटल राउंड घुमाता हूँ एक बार यहाँ देखो। अब यहाँ से ऐसे कर चढ़ के ऊपर जाना है, बाकी अब जैसे सामने दिखेगा मस्त नेपाली टेम्पल भैया, एकदम नेपाली कलाकृति के साथ बना हुआ बहुत ही भव्य मंदिर दरबार बाबा महाकाल का। देखो एक बार दिखाऊं, देखो वाओ कितना अमेजिंग लग रहा है ना भाई। बाकी यहाँ देख सकते हैं आप, इधर नेपाली कलाकृति बना हुआ ये सब बिल्डिंग का पार्ट देख सकते हो। बाकी ये देखो सामने नेपाल, इसका मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है तो आप जाके चैनल पर देख सकते हो या फिर मैं आई बटन में दे दूंगा तो आप वहां से भी देख सकते हो। बाकी अभी हम मंदिर में आ गए और सामने देखे हमारे महादेव विराजमान यहाँ पे बाबा पशुपतिनाथ, और देखो कितना मस्त आर्किटेक्चर है ना मंदिर के अंदर का नज़ारा देखो, काफ़ी देखो इसकी नक्काशी देखो एक बार, अमेजिंग है यार, काफ़ी मस्त वाला है। बाकी ऐसा कुछ नज़ारा मंदिर का है। बाकी चलते हैं इसके बाहर, तो दिखाते हैं इसके बाहर जो आर्किटेक्चर है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम घर चलेंगे। बाकी अभी थोड़ा सा नेपाली मंदिर के थोड़ा नीचे जाके देख रहे हैं यहाँ पे क्या है। बाकी यहाँ से काफ़ी एक नंबर लुक आता है पूरे घाट का, मैं दिखाता हूँ एक बार यहाँ से नज़ारा पूरे घाट का देखो एक बार। अभी यहाँ पे आके देखो यहाँ पे कोई मंदिर है यहाँ थोड़ा सा यार, यहाँ पे गंगा देखते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे मंदिर है छोटा सा, बहुत ही प्यारा मंदिर लग रहा है। बाकी यहाँ से नज़ारा दिखा कितना तगड़ा नज़ारा आ रहा है देखो एक बार, ये देखो यहाँ से भाई साहब पूरा लिटरली 80 घाट का नज़ारा आ रहा है। ये देखो सामने 80 घाट है यहाँ पे, बाकी बगल में यहाँ पे है काशी द्वार, यहाँ की जो हमारा विश्वनाथ धाम का जो कॉरिडोर है वो यहाँ से एंट्रेंस है। देखो यहाँ पे श्रद्धालु जो है स्नान ध्यान करके जा रहे हैं दर्शन के लिए बाबा का। बाकी देखो यहाँ से नेपाली टेम्पल का मस्त वाइब आ रहा है यहाँ से नजारा,
देखो एक बार। वाह यार। तो गाइस फाइनली हम लोग बहुत दिनों बाद गंगा स्नान किए। बाबा विश्वनाथ के दर्शन तो नहीं कर पाए लेकिन नेपाली टेम्पल उसी जस्ट बगल में ही है, मतलब सेम ही है, महादेव तो सब सेम ही है, तो वहाँ दर्शन कर लिए और आप लोगों को भी करवा दिए हैं। बाकी अभी काफ़ी ज़्यादा धूप हो गया, जैसे कि देख पा रहे हो आप काफ़ी तेज़ धूप हो गया। तो अब चलते हैं घर अपने और आज की इस वीडियो को हम एंड यहीं पे करते हैं और मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हर